वो एक बार क्या थी, एक बार ब्लूप्रिंट पे थी, एक कागज पे थी। तो हमारे लिए कभी वर्तमान नहीं, भविष्य को देखना चाहिए। हम लोग आज क्या हैं? आज हमारे लिए जैन धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, आज से चालू करो। जीरो से ही सबका प्रारंभ होता है। कोई जन्म से वीर नहीं था, कोई जन्म से कायर नहीं था, कोई जन्म से अमीर नहीं था, कोई जन्म से विद्वान नहीं था, कोई जन्म से ज्ञानी नहीं था। जो भी लोग होते हैं जन्म से जीरो होते हैं, और जीरो से ही तो सृष्टि का प्रारंभ होता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जिसे कुछ भी नहीं आता है, यदि वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ अभ्यास करेगा, यदि आप प्रतिदिन शास्त्र का एक पन्ना पढ़ोगे, या फिर आप ये नियम ले लोगे कि जितने भी संत साधु हमारे यहाँ आएंगे उनका प्रवचन हम सुनेंगे ही सुनेंगे। यदि आप केवल इतना ही काम कर लो कि हम जितने भी साधु आएंगे उनकी प्रवचन वाणी, उनका शिविर अटेंड करते रहेंगे, तो देखिए आपके जीवन में कितना ज्ञान हो जाएगा। एक एक बूंद से सागर भर जाता है, पता है? एक एक बूंद से सागर भर जाता है, एक एक पाई से, एक एक पैसे से व्यक्ति धनवान बन जाता है। इसी प्रकार ज्ञान की छोटी छोटी बातों से हम ज्ञानवान बन सकते हैं, हम विद्वान बन सकते हैं। कई लोगों को आज ये भी बात है कि ज्यादा ज्ञान हमें नहीं चाहिए। हमने पूछा क्यों, बोले नहीं नहीं जो ज्ञानी लोग होते हैं ना बहुत झगड़े करते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो वितंडावाद करते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा विघटन की स्थिति पैदा कर देते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वही ज्यादा भ्रांतियों में जीते हैं, इसलिए हमारे लिए ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। एक बार यदि सोचा जाए तो ये जो दृष्टिकोण है ये भी कोई ज्यादा गलत नहीं है। आज समस्या ही है, जब शास्त्र के चार पन्ने हम पढ़ लेते हैं तो हम जो है अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लग जाते हैं, और जो लोग ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे उनके उस प्रदर्शन वृत्ति के कारण समाज में बहुत प्रकार की भ्रांतियां पैदा होने लग जाती हैं। इसलिए कहीं लिखा है कि मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज। कल से शिविर में आना मत। तो ये जो है ये एक दृष्टिकोण है, ये देखने का एक नजरिया है कि बहुत ज्यादा यदि ज्ञान हो जाए तो बहुत भ्रांतियां होने लग जाती हैं। ज्ञान ना हो तो भ्रांति ना हो, किंतु ये बात गलत है। ध्यान रखना, भ्रांतियों का उन्मूलन यदि कहीं से हो सकता है तो केवल ज्ञान से ही हो सकता है। यदि जीवन में सुख शांति मिलेगी ज्ञान से, जीवन में मैत्री भाव करना सीखोगे ज्ञान से, जीवन में यदि सबके साथ अच्छा मैत्री संबंध स्थापित करोगे तो ज्ञान के माध्यम से। ज्ञानी व्यक्ति ही शांत रहना सीखता है, ज्ञानी व्यक्ति ही किस प्रकार से समाज में हमारा बर्ताव होना चाहिए, किस प्रकार से परिवार में हमारा बर्ताव होना चाहिए, कैसी वाणी हमें बोलना चाहिए, ये एक ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकता है। जब तक जीवन में आचरण नहीं है, जब तक तुम्हारे नेचर में कोई परिवर्तन नहीं है, मैं तो कहता हूं आचरण बाद में, सबसे पहले बदलना है तो अपना नेचर बदलो। नेचर के कारण खराबी आती है, हमारे नेचर को हमें बनाना चाहिए। जो अपने नेचर को बहुत बढ़िया बना लेते हैं वे ही सच्चे ज्ञानी हैं, जो कभी किसी से वैर वैमनस्यता नहीं रखते, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, जो सबके साथ प्रेम से बात करते हैं, जो सबके साथ धर्म की बात करते हैं, शांति से सबके लिए समझाने का काम करते हैं, वे ही सच्चे ज्ञानी होते हैं। इसलिए ज्ञान और ज्ञानियों से कभी दूर नहीं जाना, ज्ञान के प्रति उपेक्षा भाव मत लाओ। समाज में जब ऐसे ज्ञानी होंगे तो सबके लिए एक डायरेक्शन मिलते हैं, एक दिशा मिलती है। इसलिए ज्ञानियों का होना समाज में बहुत जरूरी है। हमारे लिए ज्ञान के प्रति उपेक्षा भाव नहीं लाना चाहिए। यदि ज्ञान ही नहीं होगा, यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो आप क्या संसार कर सकते हो? यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या तुम अपनी पढ़ाई कर सकते हो? यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या तुम लोग बिजनेस कर सकते हो? यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या तुम रसोई कर सकते हो? हर बात के लिए ज्ञान की परम आवश्यकता है। तो फिर आप बताइए, यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या तुम धर्म कर सकते हो? धर्म करने के लिए ये निश्चित है कि ज्ञान से ज्यादा श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए, किंतु आस्था के साथ साथ ज्ञान की भी उतनी ही आवश्यकता है। हम आपके लिए वही ज्ञान देना चाहते हैं। कौन सा ज्ञान? जो प्रैक्टिकल है, जो हमारे लिए करना है। आज बड़ी बड़ी बातें आपके लिए बताई जाती हैं, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखाते। हम न समय सार सिखाते हैं, न गोमट सार सिखाते हैं, न नियम सार सिखाते हैं, न प्रवचन सार सिखाते हैं। हम कोई सार सिखाते ही नहीं, हमने सारे सार पढ़े हैं।
चाहे वो प्रवचन सार हो, नियम सार हो, समय सार हो, लब्धि सार हो, क्षपना सार हो, गोमट सार हो, सारे सार हमने पढ़े, किंतु हम देख रहे हैं कि आज तुम्हारे लिए ये सार पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सार पढ़ाओ तो तुम्हारे लिए कोई सार मिलता ही नहीं है। हमारा कहना है कि यदि इन सब सारों को प्राप्त करना है तो पहले नमोकार को प्राप्त करना होगा। जब तक तुम नमोकार के द्वार से प्रवेश करके नहीं जाओगे, ना तुम्हें समय सार मिलेगा, ना तुम्हें गोमट सार मिलेगा, ना तुम्हारे लिए किसी प्रकार का सार मिलेगा। ये नमोकार जो है गेटवे ऑफ जैनिज्म, क्या है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, मुंबई में ही है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, उसमें से ही आना पड़ेगा तब तुम इंडिया में प्रवेश कर सकते हो। वैसे ही गेटवे ऑफ जैनिज्म क्या है, नमोकार मंत्र। कई लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा, महाराज नमोकार सिखाने हैं क्या, मेलकी जी के बच्चे हैं? तो हम आपको जब नमोकार सिखाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में कुछ तो हमने मिस किया है। हम आगे आगे की बातें लेते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ सीखने जाते हैं, सिद्धांत और अध्यात्म की बात करते हैं और नमोकार मंत्र का तो अर्थ आता ही नहीं है, नहीं आता है। कई लोगों के लिए अभी नमोकार मंत्र का अर्थ पता नहीं है और इसीलिए नमोकार के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। नमोकार से बढ़कर इस संसार में कोई मंगल है ही नहीं। तो समझ लीजिए कि आपको इससे बढ़कर और कोई शिक्षाओं की जरूरत नहीं है।